बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है होमियोस्टेसिस इन प्लांट्स। इस टॉपिक में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्लांट्स अपनी इंटरनल कंडीशंस को कैसे जो हैं वो मेंटेन रखते हैं। उसके लिए तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्लांट्स में कौन कौन सी इंटरनल कंडीशंस जो हैं वो मौजूद हैं। तो प्लांट्स में बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिन इंटरनल कंडीशंस हैं जिनको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें वाटर शामिल हैं, साल्ट्स जो हैं वो शामिल हैं, इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स की जो हैं वो गैसेस हैं, और इसके अलावा मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो बेकार मादे बनते हैं वो भी शामिल हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी इंटरनल कंडीशंस जो हैं वो मौजूद हैं। अब यही हमने इस टॉपिक में पढ़ना है कि प्लांट्स इन इंटरनल कंडीशंस को अपनी बॉडी के अंदर कैसे मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे, कि पौधे जो हैं इन तमाम अंदरूनी, ये जो अंदरूनी हालात हैं, ये जो इंटरनल कंडीशंस हैं, प्लांट इन अंदरूनी हालात को कैसे जो हैं वो बरकरार रखेंगे। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि प्लांट्स अपनी बॉडी में इन इंटरनल कंडीशंस को कैसे जो हैं वो मेंटेन करते हैं ताकि होमियोस्टेसिस जो है वो बरकरार रहे, और यही हमारा टॉपिक है होमियोस्टेसिस इन प्लांट्स। तो इस हवाले से पहला जो टॉपिक है हमारा, पहली जो चीज़ हमने समझनी है, डेट इज़ रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, के जो पौधे हैं, पौधे इजाफी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का खारिज होना। इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि प्लांट्स कैसे, अब देखें प्लांट्स ने अपनी बॉडी में गैसेस की जो मिकदार है उसको मेंटेन रखना है। जैसे ही गैसेस उससे ज़्यादा होंगी तो उसे हम कहेंगे एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड, ज़रूरत से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन मौजूद है। अब प्लांट्स इन एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को बॉडी से बाहर निकालेगा, तब ही इनकी मकदार प्लांट के अंदर जो है वो नॉर्मल लेवल पर वापस आएगी। तो उसके लिए प्लांट को क्या करना पड़ेगा, अगर प्लांट ये चाहता है, अगर पौधा ये चाहता है कि उसकी बॉडी में, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मकदार मेंटेन रहे, नॉर्मल लेवल तक मेंटेन रहे, तो उसे क्या करना पड़ेगा, अपनी बॉडी के अंदर बनने वाली एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा, बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम पहले तो ये देखेंगे कि प्लांट में ये गैसेस जो हैं वो आती कहाँ से हैं। तो आप जानते हैं कि प्लांट्स में दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स में दो प्रोसेस जो हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, एक है फोटोसिंथेसिस जिसमें आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो हैं वो आपस में मिलकर जो हैं वो ग्लूकोज, फूड और ऑक्सीजन जो हैं वो बनाते हैं। जबकि इसके बरअक्स प्लांट में एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है वो प्रोसेस होता है, जिसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं या सिंपल हम रेस्पिरेशन का नाम भी जो है वो देते हैं। तो प्लांट के अंदर जो दूसरा प्रोसेस है वो है सेलुलर रेस्पिरेशन। अब सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो फोटोसिंथेसिस का बिल्कुल उलट है, जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन इस्तेमाल होते हैं और उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो हैं वो बनते हैं। तो प्लांट्स के अंदर गैसेस की प्रोडक्शन के जो जिम्मेदार प्रोसेस हैं वो एक है फोटोसिंथेसिस और दूसरा है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इस हवाले से हम देखते हैं, तो अगर हम बात करें डे टाइम की, ड्यूरिंग डे टाइम बारी बारी हम इसको डिस्कस करेंगे। ड्यूरिंग डे टाइम अगर हम देखें, दिन के वक्त अगर हम देखें, तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी हो रहा होता है और रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी हो रहा होता है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखें स्टूडेंट्स, कि दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों होते हैं, लेकिन याद रहे दिन के वक्त
प्लांट में रेस्पायरेशन की जो स्पीड होती है वो फोटोसिंथेसिस की निस्बत जो है वो कम होती है। ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। दिन के वक़्त प्लांट में फोटोसिंथेसिस भी होती है, रेस्पायरेशन भी होती है, लेकिन रेस्पायरेशन की जो स्पीड होती है वो एज़ कम्पेयर टू फोटोसिंथेसिस जो है वो स्लो होती है। अब दिन के वक्त जब ये दोनों प्रोसेस होंगे तो ज़रा देख समझिएगा, फोटोसिंथेसिस जब होगी तो उसके नतीजे में ऑक्सीजन जो है वो बनेगी। अब जो ऑक्सीजन बनेगी दिन के वक्त उसमें से कुछ ऑक्सीजन जो है वो इस्तेमाल हो जाएगी, कुछ ऑक्सीजन जो है वो इस्तेमाल हो जाएगी रेस्पायरेशन में। अब सारी क्यों नहीं होगी? सारी इसलिए नहीं होगी क्योंकि फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा हो रही है लेकिन रेस्पायरेशन बहुत कम हो रही है। तो जब बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन बनेगी लेकिन उसमें से बहुत कम ऑक्सीजन जो है वो इस्तेमाल होगी। अब जो बाकी बच जाएगी, जो बाकी बच जाएगी डैट विल बी नोन एज एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, जिसकी प्लांट को ज़रूरत नहीं है। तो प्लांट्स क्या करेंगे, इस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को बॉडी से जो है वो बाहर निकाल देंगे। अब यहाँ पर ये भी याद रखना है कि प्लांट में दिन के वक्त जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो कहाँ पर होता है, मेसोफिल सेल्स में। आप जानते हैं प्लांट्स में लीव्स के अंदर मेसोफिल सेल्स मौजूद होते हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो होता है। तो दिन के वक्त मेसोफिल सेल्स में फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो ऑक्सीजन बनेगी उसमें से कुछ ऑक्सीजन इस्तेमाल हो जाएगी रेस्पायरेशन में, जबकि जो बाकी ऑक्सीजन मेसोफिल सेल्स के अंदर जो बच जाएगी, मेसोफिल सेल्स क्या करेंगे, मेसोफिल सेल्स उस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को रिमूव, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन। तो सिंपली उसको क्या करेंगे, डिफ्यूजन के ज़रिए जो हैं वो बाहर निकाल देंगे। तो मेसोफिल सेल्स दिन के वक्त जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है उसको सिंपली डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए, अम्ले नफूस के ज़रिए डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए जो है उसको बाहर निकाल देंगे। अब हम आते हैं रात के वक्त, नाइट टाइम में प्लांट्स में जो है वो क्या होगा। तो रात के वक्त, नाइट टाइम में अगर हम जिक्र करें तो रात के वक्त प्लांट में सिर्फ एक ही प्रोसेस होता है, डैट इज़ सेलुलर रेस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस नहीं होती क्योंकि फोटोसिंथेसिस लाइट की रोशनी में सिर्फ दिन के वक्त होती है। तो रात के वक्त, इसका मतलब ये है कि रात के वक्त जो है वो प्लांट में सिर्फ एक ही प्रोसेस हो रहा है एंड डैट इज सेलुलर रेस्पायरेशन। तो नतीजतन क्या होगा, सिर्फ रात के वक्त जो गैस अब बन रही है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अब रात के वक्त सेलुलर रेस्पायरेशन के नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है अब वो कहीं पर इस्तेमाल नहीं हो रही। तो ड्यूरिंग नाइट सेलुलर रेस्पायरेशन के नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, चूँकि वो कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं हो रही, लिहाजा जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी डैट विल बी नोन एज एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ड्यूरिंग नाइट जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अब सेलुलर रेस्पायरेशन प्लांट के हर पार्ट में होती है, लीव्स में भी होती है, प्लांट्स में लीव्स में भी होती है, प्लांट में स्टेम में भी होती है, प्लांट में रूट में भी होती है। तो ये कैसे जो हैं वो लीव्स, अब रात के वक्त जब इन तीनों में सेलुलर रेस्पायरेशन होगी तो तीनों के अंदर एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो लीव्स और स्टेम्स क्या करेंगे, लीव्स और स्टेम्स जो होंगे स्टोमेटा के ज़रिए डिफ्यूजन के ज़रिए जो हैं स्टोमेटा की मदद से स्टोमेटा से जो हैं वो इस एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देंगे, जबकि जो रूट्स हैं वो रूट हेयर्स के ज़रिए जो हैं वो इनको बाहर निकाल देंगे। तो बड़ा सिंपल सा मैकानिज़म है कि प्लांट में जिस वक़्त जो गैस एक्स्ट्रा होगी प्लांट सिंपली उसको डिफ्यूजन के ज़रिए बाहर निकाल देगा। तो दिन के वक्त प्लांट्स ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालते हैं डिफ्यूजन के ज़रिए, और रात के वक्त प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं डिफ्यूजन के ज़रिए। कह सकते हैं इजाफी पानी का अखराज। अब जो दूसरी इंटरनल कंडीशन जिसका हमने ज़िक्र करना है वो है वाटर। अब हम देखेंगे कि प्लांट्स अपनी बॉडी में वाटर जो है, एक्स्ट्रा वाटर जो ज़रूरत से ज़्यादा है, उसको कैसे बाहर निकालेंगे, क्योंकि
अगर प्लांट्स अपनी बॉडी में होमियोस्टेसिस को बरकरार रखना चाहते हैं तो प्लांट्स को क्या करना होगा, अपनी बॉडी में मौजूद हर ज़रूरी चीज़ को, एक्स्ट्रा चीज़ को बाहर निकालना पड़ेगा। जिसमें अगर हम बात करें तो प्लांट्स में जब पानी की मिकदार ज़रूरत से ज़्यादा होगी तो प्लांट्स उस एक्स्ट्रा वाटर को भी क्या करेंगे, अपनी बॉडी से बाहर निकाल देंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना होगा कि प्लांट में वाटर जो है वो आता कहाँ से है। तो दो ऐसी चीज़ें हैं, दो ऐसे सोर्सेज हैं जिनके ज़रिए प्लांट जो है वो पानी हासिल करता है। एक तो हम जानते हैं कि प्लांट जो हैं, प्लांट गेट वाटर फ्रॉम सोइल। एक तो हम जानते हैं कि प्लांट जो है वो सोइल से पानी जो है वो हासिल करती हैं विद द हेल्प ऑफ रूट्स। इसके साथ साथ एंड आल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। हम जानते हैं प्लांट में रात के दिन के वक्त और रात के वक्त एक प्रोसेस होता है जिसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, जो कि हमने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है। आप जानते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटती है जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो बनता है। तो पता चला कि प्लांट जो हैं, प्लांट में वाटर दो ज़राए से आता है। एक तो प्लांट जो हैं वो रूट्स के ज़रिए सोइल से जो हैं वो पानी को हासिल करते हैं, और दूसरा जब प्लांट्स में सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो उसकी वजह से भी प्लांट के अंदर जो है वो पानी जो है वो बनता है। तो दो प्लांट के अंदर दो ऐसे ज़राए हैं जिससे पानी जो है वो प्लांट को मिलता है। अब प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स जब रूट्स के ज़रिए सोइल से पानी अब्ज़ॉर्ब करते हैं और इसके साथ साथ जब सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में, तो इन दोनों ज़राए से प्लांट को जब पानी मिलता है तो प्लांट क्या करते हैं, उसमें से कुछ पानी को, सम वाटर, मोस्ट ऑफ वाटर आप कह दें, मोस्ट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड या स्टोर्ड भी आप कह सकते हैं, एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट सेल्स फॉर टर्जिडिटी। आप जानते हैं कि प्लांट्स में जो है वो स्केलेटन मौजूद नहीं होता, प्लांट्स में स्केलेटन मौजूद नहीं होता, तो प्लांट्स को सहारा देने के लिए, प्लांट्स को सख्त बनाने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स के सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं जिससे प्लांट सेल्स टर्जिड हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। तो जब प्लांट सेल सख्त हो जाएंगे तो अल्टीमेटली उससे जो प्लांट बॉडी बनेगी वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो रिजिड होगी और प्लांट जो है वो बिल्कुल सीधा जो है वो खड़ा रहेगा। तो सोइल से जो पानी आता है और रेस्पिरेशन से जो पानी प्लांट को मिलता है उसमें से ज़्यादातर जो पानी है वो प्लांट्स क्या करते हैं, वो अपने सेल्स के अंदर जो है वो स्टोर कर लेते हैं। किस चीज़ के लिए, टर्जिडिटी के लिए। अब टर्जिडिटी के लिए जो प्लांट्स पानी स्टोर कर लेते हैं उसके बाद जो पानी बचता है दैट इज़ नोन एज एक्स्ट्रा वाटर। अब वो जो पानी बच जाएगा, बाकी जो पानी बच जाएगा डैट विल बी नोन एज एक्स्ट्रा वाटर। अब यहाँ पर मसला ये है कि प्लांट इस एक्स्ट्रा वाटर को कैसे बाहर निकालेगा। तो प्लांट जो हैं इजाफी पानी को कैसे बाहर निकालते हैं, ज़्यादातर प्लांट्स में ये देखा गया है कि प्लांट्स क्या करते हैं, ये जो एक्स्ट्रा वाटर होता है इसको ट्रांसपायरेशन के ज़रिए जो है वो बाहर निकाल देते हैं। तो याद रहे, प्लांट्स में एक्स्ट्रा वाटर को ट्रांसपायरेशन के ज़रिए जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है। आप जानते हैं ट्रांसपायरेशन क्या है, स्टोमेटा के ज़रिए पानी को बुखारात बनाकर स्टोमेटा के ज़रिए बाहर निकाल देना ट्रांसपायरेशन कहलाता है। अब क्वेश्चन ये है कि चलें दिन के वक्त तो ये बात समझ आती है क्योंकि दिन के वक्त प्लांट्स में स्टोमेटा ओपन होते हैं, तो जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो दिन के वक्त स्टोमेटा के ज़रिए बुखारात बनाकर ट्रांसपायरेशन के ज़रिए बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन मसला ये है कि रात के वक्त तो स्टोमेटा बंद होते हैं। अब तो स्टोमेटा जब बंद होंगे तो ट्रांसपायरेशन नहीं होगी। तो अगर रात के वक्त प्लांट में पानी ज़्यादा हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल प्लांट जिस जगह पर मौजूद है उसमें पानी बहुत ज़्यादा है, रात के वक्त अगर प्लांट में पानी दाखिल हो जाता है तो रात के वक्त प्लांट्स जो हैं वो कैसे बाहर निकालेंगे। तो इसमें फिर डिफरेंट प्लांट्स जो हैं उनके पास डिफरेंट मेथड्स हैं। जैसे कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, ड्यूरिंग नाइट सम प्लांट्स फोर्स्ड आउट
इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स। तो हमने बात की कि चूंकि चले दिन के वक्त तो ट्रांसपायरेशन हो जाएगी, लेकिन रात के वक्त ट्रांसपायरेशन नहीं होगी। तो अगर रात के वक्त प्लांट में पानी ज़्यादा हो जाता है तो रात के वक्त एक्स्ट्रा वाटर को कैसे बाहर निकाला जाएगा? तो उसमें हमने देखा कि मुख्तलिफ प्लांट्स फिर रात के वक्त मुख्तलिफ तरीक़ों से पानी को अपनी बॉडी से, एक्स्ट्रा पानी को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, जिसमें अगर हम बात करें ग्रासेस के हवाले से, जो घासेस हैं मुख्तलिफ किस्म की जो घास होती है, ग्रासेस जो हैं वो क्या करती हैं रात के वक्त जो हैं वो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कि ग्रासेस की हमने एग्जांपल ली, उनमें लीव्स की पत्तों के किनारों पर ख़ास किस्म के जो हैं वो सुराख पाए जाते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं मिसाल के तौर पर जो ग्रास है, इन ग्रास के जो लीव्स होते हैं उनके किनारों पर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनके ज़रिए रात के वक्त एक्स्ट्रा वाटर को ड्रॉप्स की सूरत में जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो ड्रॉप्स की सूरत में पानी का बाहर आना, ड्रॉप्स की सूरत में जब पानी को बाहर निकाला जाता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं गट्टेशन। गट्टेशन द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स इज नोन एज गट्टेशन। ऐसा अमल जिसमें इजाफी पानी को ख़ास किस्म के सुराखों के ज़रिए बाहर निकाल दिया जाता है उसे हम गट्टेशन का नाम देते हैं। याद रहे गट्टेशन को और ड्यू ड्रॉप्स को मिक्स नहीं करना। जो शबनम के कतरे होते हैं वो रात के वक्त हवा में मौजूद जो वाटर वेपर्स होते हैं, पानी के बुखारात, उनके कंडेंस होने से जो ड्रॉप्स बनते हैं वो जब गिरते हैं ग्रास के ऊपर उसे हम ड्यू ड्रॉप्स कहते हैं। जबकि गट्टेशन में जो ड्रॉप्स हमें नज़र आते हैं पत्तों के ऊपर वो प्लांट बॉडी के अंदर से आते हैं, बाहर से नहीं आते। तो ड्यू ड्रॉप्स में पानी बाहर से आता है जबकि गट्टेशन में पानी जो है वो प्लांट्स के अंदर से आता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है नंबर 3, डैट इज़ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। फालतू या बेकार मादे भी कह सकते हैं, फालतू मादों का अखराज। जी तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। आप जानते हैं कि प्लांट्स में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिन्हें हम मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं, जिसके नतीजे में, इस मेटाबॉलिज्म के नतीजे में प्लांट्स के अंदर बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स बनते हैं जिन्हें हम मेटाबॉलिक वेस्ट का नाम देते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि प्लांट्स में जब मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं तो उनको फौरन बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। अब देखना ये है कि प्लांट्स जो हैं इन मेटाबॉलिक वेस्ट को अपनी बॉडी से बाहर कैसे निकालते हैं। तो याद रखें कि प्लांट्स में मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालने के लिए कोई ख़ास मेथड मौजूद नहीं है। तो फिर डिफरेंट प्लांट्स जो हैं वो डिफरेंट मेथड्स मुख्तलिफ प्लांट्स फिर मुख्तलिफ अपने अपने तरीक़ों से जो है वो मेटाबॉलिक वेस्ट को जो है वो बाहर निकालते हैं। तो उन मेथड्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिनके ज़रिए प्लांट्स मेटाबॉलिक वेस्ट को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। नंबर वन जो हैं डैट इज़ सम प्लांट्स। कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, सम प्लांट्स स्टोर मेटाबॉलिक वेस्ट, डिपॉजिट भी लिख सकते हैं आप, स्टोर मेटाबॉलिक वेस्ट। बात कर रहे थे कि कुछ प्लांट्स क्या करते हैं वो अपने मेटाबॉलिक वेस्ट को तब कन्वर्ट करते हैं लेस टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट में। देखें कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो अपनी बॉडी में बनने वाले मेटाबॉलिक वेस्ट को फौरन बॉडी से बाहर नहीं निकाल सकते, तो वो प्लांट्स क्या करते हैं वो अपने मेटाबॉलिक वेस्ट को पहले हार्मलेस
कम खतरनाक मेटाबॉलिक वेस्ट में जो है वो तब्दील करते, जो कि बॉडी में फ्लूइड्स में शामिल ना हो सकें, और फिर उनको जो है वो स्टोर कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल टोमेटो प्लांट की अगर हम बात करें, तो जो टोमेटो प्लांट है वो क्या करता है, टोमेटो प्लांट अपनी बॉडी में एक मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है कैल्शियम ऑक्सालेट, जिसको वो कम ख़तरनाक फॉर्म में तब्दील करने के बाद अपने सेल्स में, आप जानते हैं प्लांट सेल्स में सेंटर में वैक्यूल जो है वो एक ऑर्गेनेली मौजूद होती है, उसमें क्रिस्टल्स की सूरत में जो है वो स्टोर कर लेते हैं। तो हमने देखा कुछ प्लांट्स अपनी बॉडी में बनने वाले मेटाबॉलिक वेस्ट को कम ख़तरनाक मेटाबॉलिक वेस्ट में तब्दील करके उन्हें अपने सेल्स के वैक्यूल में जो है वो स्टोर कर लेते हैं। अब देखा ये गया है कि जब उन वेस्ट मटेरियल्स को वैक्यूल्स के अंदर स्टोर किया जाता है, तो वो वहाँ पर अक्सर जो हैं वो क्रिस्टल्स की सूरत जो है वो इख्तियार कर लेते हैं, जैसे कि हमने टोमेटो प्लांट का जिक्र किया। ये खोटी नहीं बची। सेकंड, अगर हम बात करें तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो अपने लीव्स के अंदर, पत्तों के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट स्टोर करते हैं, और फिर जब ऑटम सीज़न आता है, खिजां का मौसम आता है, तो उन लीव्स को अपनी बॉडी से अलहदा कर देते हैं और यूं मेटाबॉलिक वेस्ट से भी छुटकारा हासिल कर लेते हैं। तो कुछ प्लांट्स जो हैं, सम प्लांट्स शेड लीव्स ईयरली टू गेट रिड ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। कुछ प्लांट्स मेटाबॉलिक वेस्ट को रिड ऑफ करने के लिए, कुछ प्लांट्स मेटाबॉलिक वेस्ट से छुटकारा हासिल करने के लिए अपने लीव्स में उनको स्टोर करते हैं, और फिर एक ख़ास सीज़न में ऑटम सीज़न। प्लांट्स ऐसे भी हैं जो अपनी बॉडी में बनने वाले मेटाबॉलिक वेस्ट को ख़ास सुराखों के ज़रिए कंटिन्यूसली अपनी बॉडी से जो हैं वो खारिज करते रहते हैं। जैसे अगर हम बात करें कोनीफरस ट्रीज जो हैं, कोनीफरस ट्रीज, ये रेजन्स एक केमिकल है, एक मेटाबॉलिक वेस्ट है जिसको अपनी बॉडी से बाहर निकालते। इसी तरह कीकर का जो दरख्त है वो गम लाइक चिपचिपा मटेरियल जो कि एक मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसको बाहर निकाल लेते। इसी तरह रबर प्लांट जो है वो लेटेक्स को रिलीज़ करता है, और लेडी फिंगर और कार्निवोरस प्लांट जो है वो म्यूसिलेज। अब ये सारे मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, रेजन्स, गम्स, लेटेक्स, म्यूसिलेज, जो ये डिफरेंट प्लांट्स जो हैं वो अपनी बॉडी में जैसे बनते हैं उनको बाहर निकाल देते हैं, लेकिन हम इनको इकट्ठा करके इन्हें अपने मकासद के लिए जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हमने देखा इस टॉपिक में कि मुख्तलिफ प्लांट्स मुख्तलिफ तरीक़ों से जो हैं वो मेटाबॉलिक वेस्ट को ठिकाने लगाते हैं। कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट को कम ख़तरनाक शक्ल में तब्दील करके अपने वैक्यूल्स में क्रिस्टल्स की सूरत में स्टोर कर लेते हैं। कुछ प्लांट्स लीव्स के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट को स्टोर करते हैं और ऑटम सीजन में उन लीव्स को अपनी बॉडी से अलग कर देते हैं, जबकि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो अपनी बॉडी में बनने वाले मेटाबॉलिक वेस्ट को मसलसल अपनी बॉडी से जो हैं वो खारिज करते रहते हैं, ताकि उनकी बॉडी में इंटरनल कंडीशंस मेंटेन रहें और होमियोस्टेसिस जो है वो बरकरार रहे। पेपर्स में एक MCQs है, एक ही शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये टॉपिक जो है ये लॉन्ग क्वेश्चंस में भी जो है वो आ चुका है। MCQs हमारे पास है सिक्रीशन सिक्रीटेड बाय कॉनीफर्स, के कॉनीफर प्लांट्स कौन से मेटाबॉलिक वेस्ट को, रतूबत को जो है वो अपनी बॉडी से खारिज करते हैं। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था डेटा रेजन्स जो हैं वो रतूबतें हैं जो कोनीफर प्लांट्स जो हैं वो अपनी बॉडी से खारिज करती हैं। शॉर्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो व्हाट इज़ गटेशन, हाउ इट डिफर्स फ्रॉम ड्यू, गटेशन क्या है और ये शबनम से जो है वो कैसे मुख्तलिफ है। तो और यही टॉपिक जो है अगर हम देखें तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी जो है वो आ चुका है, हाउ प्लांट्स रिमूव एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मेटाबॉलिक वेस्ट एज वेल। तो शॉर्ट क्वेश्चन का अगर हम जिक्र करें तो गटेशन, अब उर्दू वाले जो हैं वो कुछ इस तरह लिखेंगे, इंग्लिश वाले कुछ इस तरह लिखेंगे। अब गटेशन जो है ये डेफिनेशन हमने इस तरह जो है वो लिखनी है। डेफिनेशन आप जानते हैं इन्वर्टेड कॉमास में जो है वो लिखी जाती है, ये बात आपको बार बार जो है वो बताई जा रही है। अब ये डेफिनेशन उर्दू वाले जो हैं उन्हें कहाँ से मिलेगी, ये जो टॉपिक है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, पौधों से फालतू पानी का खराज, उसकी जो लास्ट लाइन है वो हमने जो आखिरी लाइन जो है वो हमने लिखी है। अब वो कहते हैं कि गटेशन जो है वो शबनम के कतरों से मुख्तलिफ कैसे है, तो हमने लिखा डिफरेंस फ्रॉम ड्यू, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, शबनम से मुख्तलिफ कैसे है, तो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम। अब ये कहाँ से लिया, ये बॉक्स उसी टॉपिक में जो बॉक्स बना हुआ है ब्लू कलर का,
डायग्राम के साथ, वहाँ से हमने ये लिया है क्योंकि गटेशन से हमने कहा ये इसलिए मुख्तलिफ। अब यहाँ पर आप इसको जो है वो हाईलाइट कर सकते हैं, बिकोज को मार्कर से लिख दें, क्योंकि गटेशन में जो वाटर होता है वो बाहर से एटमोसफेयर से, आप इसको भी हाईलाइट कर दें, वाटर जो है वो एटमोसफेयर से कंडेंस होकर जो है वो प्लांट की सरफेस पे गिरता है, जबकि गटेशन में जो है, गटेशन में इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ड्यू, बिकॉज इन ड्यू, यहाँ पे ड्यू आएगा, इन ड्यू, क्योंकि शबनम के कतरों में जो पानी होता है वो बाहर से एटमोसफेयर से जो है वो कंडेंस होता है, तो इस लिहाज से ये जो है वो मुख्तलिफ।